हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है नौवें अध्याय जो है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान के प्रथम भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि सौर विकिरण किसे कहते हैं और पृथ्वी की सतह पे सूर्य ताप में भिन्नता कैसे होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं इसके बारे में। अब सौर विकिरण किसे कहते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी संपूर्ण ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है और इसे हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। और इसी ऊर्जा के कारण जो है पृथ्वी में ताप होता है, यानी ये जो भी किरणें सूर्य से निकलती हैं वो पृथ्वी को गर्म करती हैं, लेकिन ये पृथ्वी के अलग अलग भागों में जो है ये ऊर्जा जो है वो अलग अलग मात्रा में प्राप्त होती है। इसीलिए पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा भी जो है वो समान नहीं होती है। और पृथ्वी जो भी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है उनमें से कुछ ऊर्जा जो है उसे अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देती है, जिसके कारण पृथ्वी जो है ना अधिक गर्म होता है और ना अधिक ठंडा होता है। और इसी ताप में भिन्नता के कारण वायुमंडल जो है उसमें दाब में भिन्नता आता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो भी ऊर्जा सूर्य से निकलते हैं वो किस रूप में निकलते हैं। तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो होती है वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होते हैं और इन्हें हम कहते हैं आगमी सौर विकिरण, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और ये यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं। और ये जो होते हैं ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं, जिसे हम लघु तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इन्हीं लघु तरंग दैर्ध्य के कारण जो है, यानी आगमी सौर विकिरण के कारण जो है वो पृथ्वी में ताप होता है। अब ये पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले कुल सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन जो भी पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं उन्हें छोटे रूप में सूर्य ताप कहते हैं, जिसे हम इंसुलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं, जो भी सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचे उसे हम कहते हैं सूर्य ताप। और ये सूर्य ताप जो है वो नापा जाता है प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में। आइए अब देखते हैं कि ये सौर विकिरण जो है वो पृथ्वी की सतह पे कैसे पहुंचते हैं। तो कुछ सौर विकिरण जो है वो तिरछी सूर्य की किरणों के रूप में पड़ते हैं पृथ्वी की सतह पे, और ये तिरछी सूर्य की किरणें जो है वो ध्रुव की तरफ पड़ते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। और ये तिरछी सूर्य की किरणें जो हैं वो बहुत अधिक क्षेत्र में फैले होते हैं, इसीलिए ये कम घनित्व वाले आगामी सौर विकिरण होते हैं। वहीं पे कुछ सौर विकिरण जो हैं वो ऊर्ध्वाधर या प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें के रूप में धरती पे पहुंचते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें जो होती हैं ये बहुत कम जगह पे फैले रहते हैं, इसीलिए इनका घनत्व जो होता है ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणों का वो अधिक होता है। और ये किरणें जो है वो छोटे जगह को बहुत अधिक गर्म कर पाते हैं, यानी ऊर्जा दे पाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सौर विकिरण जो है जो सूर्य से निकलते हैं वो कैसे पृथ्वी की सतह पे पहुंचते हैं। तो ये तिरछी सूर्य किरणें के रूप में भी पहुंचते हैं और ऊर्ध्वाधर या प्रत्यक्ष सूर्य की किरणों के रूप में भी पहुंचते हैं। और पृथ्वी जो है वो औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो पृथ्वी की स्थिति जो है सूर्य के चारों तरफ ये भी प्रभावित करती है कि पृथ्वी सौर विकिरण जो है सूर्य से वो कितना प्राप्त करेगी। यानी जब हम 3 जनवरी को देखेंगे तो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होता है, और इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। और इस स्थिति में पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य ताप जो है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी जो है वो सूर्य के नजदीक होता है सबसे ज्यादा। वहीं हम देखेंगे 3 जुलाई को तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे दूर होता है, और इस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर।
और इस अपसौर स्थिति में पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य तप जो है वो सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है। तो ये था पृथ्वी का स्थिति जो प्रभावित करता है कि पृथ्वी जो है वो वार्षिक सूर्य तप कितना प्राप्त करता है सूर्य से। लेकिन इस सूर्य विकिरण के भिन्नता को कुछ अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं और कम करते हैं, जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण और वायुमंडल परिसंचरण। और इन दो कारकों के कारण सूर्य ताप का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। यानी यहाँ पे जो भी हमने देखा कि जैसे अपसौर और उपसौर में जो भिन्नता पाए जाते हैं सौर विकिरण में, इन भिन्नता को ये कारक जो है वो कम करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे पृथ्वी की सतह पे ये सूर्य ताप जो है वो भिन्न होते हैं। तो सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। और सूर्य ताप में होने वाली भिन्नता के कारक हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण, वायुमंडल की पारदर्शिता कैसी है, और दिन की अवधि और स्थल विन्यास। तो ये जो है पांच प्रमुख कारण हैं जो सूर्य ताप में होने वाली भिन्नता को प्रभावित करते हैं। अब आगे हम इन सभी कारकों को विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं सूर्य ताप को जो पृथ्वी द्वारा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है वो कैसे ये सूर्य ताप में भिन्नता लाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, लेकिन पृथ्वी का अक्ष जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के समतल कक्षा से 66/1/2 डिग्री का कोण बनाता है, जिसके कारण विभिन्न अक्षांशों पे जो है वो प्राप्त होने वाले सूर्य ताप जो है उसे प्रभावित होती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ध्रुव की ओर जो है तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो है वो सूर्य ताप भिन्न होता है, जबकि विषुवत वृत्त पे हम देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो यहाँ पे ताप जो है वो भिन्न होता है ध्रुव के अपेक्षाकृत। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे घूमते हैं और वो समतल कक्षा से 66/1/2 डिग्री का कोण बनाते हैं, जिसके कारण विभिन्न अक्षांशों पे सूर्य ताप जो है वो भिन्न होता है, क्योंकि विभिन्न जगहों पे सूर्य की किरणें जो है वो अलग अलग तरह से पड़ते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे दूसरा प्रमुख कारक जो है सूर्य की किरणों का नति कोण। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आगे देखा कि कुछ जगह होते हैं पृथ्वी पे जैसे कि ध्रुवों की ओर, वहाँ पे तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ये तिरछी सूर्य की किरणें जो हैं वो व्यापक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए, जिसके कारण इन तिरछी सूर्य की किरणें जो हैं उनके कारण ताप जो है वो कम होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं और यहाँ पे इसीलिए प्रति इकाई क्षेत्र को जो है वो कम ऊर्जा मिलती है। जबकि विषुवत वृत्त पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ये किरणें जो है वो बहुत कम क्षेत्र को कवर करती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रति इकाई क्षेत्र को अधिक ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे सूर्य की किरणें भी जो है वो प्रभावित करती है सूर्य ताप में भिन्नता को। अब यहाँ हम एक बार फिर से देखेंगे सूर्य की किरणों का नति कोण। तो यहाँ हम देख सकते हैं ध्रुव की ओर कैसे जो है तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ये व्यापक क्षेत्रों को कवर करती हैं, और यहाँ पर ये तिरछी सूर्य की किरणें जो है इन्हें वायुमंडल के अधिक गहराइयों से गुजरना होता है, जिसके कारण अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण होता है, और इसके कारण जो है इन तिरछी सूर्य की किरणों का जो ऊर्जा है उनका ह्रास होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो ताप जो है वो कम होता है।
जबकि विषुवत वृत्त पर जो है सूर्य की किरणें सीधे पड़ते हैं, यानी यहाँ पे ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें पड़ते हैं और इसीलिए यहाँ पे ताप जो है वो बहुत अधिक होता है। साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य की किरणों को वायुमंडल के कम गहराइयों से गुजरना पड़ता है तिरछी सूर्य की किरणें के अपेक्षाकृत। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न अक्षांशों पर जो सूर्य ताप जो है वो विभिन्न होता है, इसीलिए पृथ्वी का ताप जो है वो सभी जगह समान नहीं होता है। आइए अब हम देखते हैं तीसरा प्रमुख कारक जो है दिन की अवधि और देखेंगे कि ये कैसे प्रभावित करते हैं सूर्य ताप में भिन्नता को। तो जैसा कि सरल भाषा में हम जान सकते हैं कि अगर दिन की अवधि जो है वो अधिक होगी तो पृथ्वी जो है वो अधिक सूर्य ताप ग्रहण कर पाएगा सूर्य से, जबकि अगर दिन की अवधि कम होगी तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ताप जो है वो कम होगा। तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत एवं दक्षिण अयनांत को देखेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न अक्षांशों पर 22 दिसंबर और 21 जून को जो है वो दिन की अवधि कैसे कैसे भिन्न होती है और इसी कारण जो है पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ताप जो है वो भी भिन्न होते हैं। तो यहाँ हमने देखा तीसरा प्रमुख कारक जो है दिन की अवधि। अब चौथा प्रमुख कारक जो है वो है वायुमंडल की पारदर्शिता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी ऊर्जा सूर्य से निकलते हैं वो वायुमंडल से होके गुजरते हैं और तब जाके पृथ्वी की सतह पे पहुंचते हैं। तो वायुमंडल की पारदर्शिता जो है ये भी बहुत प्रभावित करती है इन सौर विकिरण को जो निकलते हैं सूर्य से और पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं तो क्षोभ मंडल जो होता है जो हमने पहले पढ़ा है और जाना है कि क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत होता है वायुमंडल। तो जब इस क्षोभ मंडल में जल वाष्प ओजोन और अन्य गैसें जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं सौर विकिरण को, क्योंकि ये जो है वो आने वाले सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं। यानी अगर क्षोभ मंडल में अधिक जल वाष्प ओजोन और अन्य गैसें मौजूद होंगे तो ये आने वाले सौर विकिरण को बहुत अवशोषित करेंगे और जिसके कारण पृथ्वी की सतह पे बहुत कम जो है सौर विकिरण पहुंच पाएगा। और जबकि अगर ये जल वाष्प ओजोन और अन्य गैस कम मात्रा में पाए जाएंगे क्षोभ मंडल में तब उस स्थिति में जो भी सौर विकिरण होगा वो अधिक से अधिक पहुंच पाएगा पृथ्वी की सतह पे। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे वायुमंडल की पारदर्शिता जो है वो सूर्य ताप को प्रभावित करती है जिसके कारण पृथ्वी की सतह पे जो है सूर्य ताप में भिन्नता दिखता है। अब धरातल पे प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पे 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक पाया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे उष्ण कटिबंध में अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जबकि ध्रुवों पर जैसा कि हमने देखा कि क्षैतिज सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है वो कम सूर्य ताप प्राप्त होता है और ये होता है 70 वाट प्रति वर्ग मीटर। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी के पूरे सतह पे जो है वो सूर्य ताप में भिन्नता होता है। और सबसे अधिक सूर्य ताप जो देखे वो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर प्राप्त होता है और उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। और अगर हम देखें तो महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। तो यहाँ कुछ तथ्य हमने देखा और देखा कि कैसे ये सौर विकिरण जो है वो उष्ण कटिबंध पे अलग होता है, ध्रुवों पे अलग होता है, इसी तरह महासागरीय भाग पे अलग होता है और महाद्वीपीय भाग पे अलग होता है। तो ये सब जो है ये सूर्य ताप की भिन्नता को दर्शाता है। अब यहाँ हम देखेंगे सूर्य ताप का स्थानिक वितरण। तो यहाँ हम अगर पूरे विश्व को देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे सूर्य ताप में भिन्नता होता है। तो जैसे जैसे हम
ध्रुव की ओर देखेंगे तो कम सूर्य तप देखने को मिलता है, जो कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। और विषुवत वृत्त पर, जो कि यहाँ हम गहरे रंग से देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे अधिक सूर्य तप होता है। तो ये था सूर्य तप का स्थानिक वितरण। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सौर विकिरण किसे कहते हैं और पृथ्वी की सतह पे सूर्य तप जो है उसमें भिन्नता कैसे होते हैं और कौन कौन से कारक होते हैं जो इस भिन्नता को प्रभावित करते हैं। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगली वीडियो में हम देखेंगे वायुमंडल तापन और शीतलन। तब तक के लिए धन्यवाद।